सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एम आई रेल टेक्निकल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं जो नए वीडियो के साथ हूँ वो है कि भाई ये जो आपको गोल गोल सा दिखता है ये हमारे इंजन और डब्बों के सामने रहता है। दोस्तों ये होता क्या है? असल मैं आपको बता दूँ, इसे रेलवे की भाषा में बफर कहा जाता है। हम पहले के टाइम पे सोचा करते थे कि भाई ये चुम्बक है जो हमारे इंजन और हमारे डब्बों को कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। असल में इसका असली काम क्या है ना दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ, तो बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपको इसका जो असली काम है बफर्स का वो है कि ये इंजन और हमारे डब्बों के बीच में थोड़ा गैप बना के रखता है। और दोस्तों जब ब्रेक्स लगते हैं ना हमारे ट्रेन को रुकने के लिए, तो ये जो है ना पूरा पीछे का लोड इन बफर से पड़ता है, जिसकी वजह से ये बफर्स आपस में प्रेशर खा के अंदर चले जाते हैं और जिसकी वजह से हमारी ट्रेन सही सलामत रुक जाती है। दोस्तों आपको सच बात बताओ ना कि ये टर्निंग के टाइम में भी बहुत काम आते हैं, क्योंकि जब ये गाड़ी हमारी टर्न लेती है ना दोस्तों, तो एक साइड का बफर पूरा अंदर चला जाता है, तो जिसकी वजह से हमारी गाड़ी बहुत अच्छे से टर्न लेती है। अब आपको सवाल उठता होगा कि भाई ये अंदर जाता क्यों है, तो आपको बता दूं ये दोस्तों ये स्प्रिंगली होता है। अब ये स्प्रिंग कैसा है ना दोस्तों, यहाँ पे आप येलो रेड करके देख सकते हैं, ये स्प्रिंग बहुत पावरफुल स्प्रिंग्स होते हैं और इनको कुछ इस तरीके से सेटअप किया है। यहाँ पे ना पहले फ्रेम बना दिया जाता है, फिर हमारे बफर्स को सेटअप किया जाता है। तो आप ये वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि भाई इन्हें कैसे सेटअप किया। देख सकते हैं आप, फ्रेम है, फिर हमारे बफर्स को सेटअप मतलब अंदर ताकि फिट कर दिया है। दोस्तों ये हमारे नॉर्मल कोचेस में भी लगते हैं, तो यही था दोस्तों इसका मतलब कि भाई ये यूज़ क्यों होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, एंड बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।